नमस्कार दोस्तों साथियों, आपका हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के सबसे पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के बारे में बात करेंगे। आगामी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनावों को देखते हुए देश पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। देश में जब भी चुनाव की बात होती है तो एक ही नाम हमेशा सुर्खियों में आ जाता है और वो देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का है। भले ही उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो गई हो और शरीर साथ ना दे रहा हो, लेकिन आज भी वो लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। श्याम शरण नेगी आजाद भारत के सबसे बुजुर्ग वोटर हैं और उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने वोट की अहमियत को सही से नहीं समझते। नेगी करीब 16 लोकसभा और 12 विधानसभा चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और वो इसे बहुत जरूरी भी मानते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि देश के सभी मतदाताओं को अपने इस अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कुछ समय पहले मीडिया में उनकी चर्चा उस समय भी हुई थी जब वो फिल्म सनम रे में उनकी एक छोटी सी भूमिका का किरदार निभाया था। इस समय उनकी हालत काफी कमजोर है, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला अब भी बरकरार है। देश में पहली बार लोकसभा चुनाव का आयोजन फरवरी 1952 में किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 1951 में मतदान किया गया। इसके पीछे का कारण था हिमाचल प्रदेश का मौसम, क्योंकि एक बार बर्फबारी शुरू होने के बाद मतदाताओं का मतदान केंद्र पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में संयोग वर्ष ये मौका 25 अक्टूबर 1951 को श्याम शरण नेगी को मिला था। नेगी एक शिक्षक के रूप में किन्नौर में थे और वहां पर 23 वर्षों की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेगी जब भी मीडिया से बात करते हैं तो उन्हें देश की तरक्की से खुश नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार की खबरों से काफी दुख भी पहुंचता है। आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कल्प नामक स्थान के इस निवासी ने अपनी जिंदगी में हर बार मतदान में शामिल होने की कोशिश की है। ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल है। हम सभी को पता है कि हमारा भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और हमें वोटिंग राइट्स मिलने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने बहुत ज्यादा मशक्कत की। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वोट डालने का अधिकार इस डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, और अगर आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए तो आपको स्वयं यह निर्णय लेना होगा कि आपको यह अधिकार यूज करना चाहिए। खुद ही नहीं बल्कि अपने परिवार में जो भी लोग मतदान करने के योग्य हैं, आप उनको अपने साथ लेके जाएं और मतदान के लिए प्रेरित करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।